हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम साबूदाना खिचड़ी बनाने जा रहे हैं और हमारे वीडियो में तक बने रहिए और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम साबूदाना खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले से 3 उबला हुआ आलू ले लिए हैं। अब इसको छील कर हम टुकड़ों में काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। और साबूदाना को अच्छी तरह से धुल कर हम 1.5 घंटे पहले भिगो कर रख ली थी। और मूंगफली को हम भून कर ले ली हूँ और गैस को ऑन करके इसमें हम कढ़ाई रखेंगे साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए। इसमें हम घी डाले हैं, आप तेल का भी यूज कर सकती हैं। और इसमें हम जीरा डालेंगे, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों को हम डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। आलू के टुकड़ों को हम हल्के गोल्डन होने तक के भूनेंगे। इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल दिए, आप काली मिर्च का यूज कर सकती हैं यहाँ पे। और गैस का आंच हम धीमी रखेंगे। आलू गोल्डन कलर का हो गया है तो इसमें हम साबूदाना डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। साबूदाना जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। साबूदाना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो इसमें हम कूटा हुआ मूंगफली डालेंगे। इसको हम मीडियम आंच तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। फलाहारी के लिए हम बना रहे हैं, आप वैसे सादा नमक डाल सकती हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो गया है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसको व्रत में खा ले सकती हैं या तो फिर नाश्ते में चाय के साथ खा सकती हैं। और बहुत कम समय में बनता है और बहुत इजी है। और हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।